नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश वासव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। रामप्रसाद सुसाइड केस में ये बड़ी खबर है। सुसाइड केस में मंत्री महेश जोशी समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज। देर रात मामला दर्ज हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में रामप्रसाद ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मंत्री महेश जोशी समेत 8 लोगों पर जो है मामला दर्ज हुआ है। और कई लोगों पर मंत्री के साथ ही कई लोगों पर गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लगाए गए हैं। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि देर रात मामला दर्ज हुआ है और मंत्री महेश जोशी समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि लगातार जो परिजन है वो शव रखकर धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में जो है सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि प्रदेश में मंत्री महेश जोशी जिनका नाम इसमें शामिल है उन पर भी आरोप यहां पर लगे हैं और इसके साथ ही 8 लोग बताए जा रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज की विजिलेंस टीम पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पूरे जमीन कब्जे का ये पूरा जो मामला है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रामप्रसाद की खुद की जमीन थी, खुद का उनका पट्टा था और वहां पर निर्माण हो रहा था, तो ऐसे में उनके ही जमीन पर निर्माण करवाने से क्यों रोका गया? क्या मजबूरी यहां पर विजिलेंस टीम की थी? किसी के दबाव में क्या निर्माण कार्य को रोका गया? क्योंकि पूरे शहर में जो है कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि बिना स्वीकृति के बनाए गए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई की बजाय खुद की जमीन पर जो है यहां पर निर्माण करवाया जा रहा था उस पर रोक लगाई गई, तो तमाम सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जयपुर में चांदी की टकसाल इलाके में एक शख्स ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं आत्महत्या से पहले बनाया उसका वीडियो सामने आया है और वीडियो में उसने जमीन पर कब्जा करने के मामले में जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कई लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। अब परिवार के लोग और किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा भी शव लेकर बैठे हुए हैं और इस मामले में मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। आपको बता दें कि चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर के पास रहने वाले रामप्रसाद ने घर से 200 मीटर दूर उनकी जमीन थी और इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। घर वालों का कहना है कि रामप्रसाद घर से 200 मीटर दूरी टी शॉप के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में पहुंचे। वहां से निकल रहे एक ऑटो ड्राइवर ने जो है उनका शव लटका हुआ देखा। उधर ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सुसाइड से पहले रामप्रसाद ने एक वीडियो भी बनाया और वीडियो में उसने बताया कि उसकी जमीन के सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उसे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। वीडियो में उसने कई अन्य लोगों के साथ कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का नाम लेते हुए परेशान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा से प्रार्थना की कि मेरे परिवार को इंसाफ दिलाए। बेटे अंकित का आरोप है कि उसके पापा खुद की जमीन पर मकान बनाना चाहते थे। महेश जोशी समेत कई लोग उन्हें मकान बनाने के लिए बार बार रोकते थे और जमीन के डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी उनके घर के बाहर गार्ड लगा दिए थे। इसे लेकर उसकी दादी ने शनिवार को महेश जोशी से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। सुभाष चौक थाना पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। महेश जोशी समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान जारी किया मामले को लेकर। उन्होंने इस मामले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि सरकार के एक मंत्री से परेशान होकर एक गरीब आदमी को आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा है। सरकार रामप्रसाद मीणा के परिवार को तुरंत सरकारी राहत उपलब्ध करवाए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि मंत्री समेत अन्य लोगों की प्रताड़ना से आहत होकर गरीब आदमी द्वारा आत्महत्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। आप
करें कि यहाँ पे FIR दर्ज करिए। जो आदमी मरा है उसके मृत्यु पूर्व बयान है, उसने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये मांग रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता कि एक आदमी ने दुखी होके अपनी जान दे दी, ये हत्या के बराबर है, और उसके बावजूद भी पुलिस FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हो रही, तो प्रशासन से और सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और ये बच्चे कहाँ जाएंगे? पट्टा होने के बावजूद इन्होंने उनको निर्माण नहीं करने दिया, और बगल में उसके 5 मंजिला होटल खड़ी हो रखी है जिनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई पट्टा नहीं है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ और फिलहाल क्या वहां पर स्थिति है उसको लेकर हमारे सहयोगी दीपक गोयल जो है हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, सबसे पहले जानना चाहेंगे वहां पर फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। देखिए, नगर निगम में तो वैसे अंधेरी नगरी चौपट राजा है, और नगर निगम के अफसरों को जो गगनचुंबी जो बिल्डिंगें हैं, जो अवैध इमारतें हैं, वो दिखती नहीं है, और जब गरीब अपना मकान बनाता है तो शायद उस पर डंडा चलाने पहुंच जाता है, और कुछ इसी तरह की तस्वीर है कल देखने को मिली। जो राम प्रसाद है उसने अपनी जीवन लीला को है वो ख़त्म कर लिया, लेकिन उसके जाते जाते वो एक वीडियो भी यहाँ पर जारी कर दिया, उसमें किरोड़ी से गुहार की कि वो अपने उसके परिवार को यहाँ पर बचा ले। और दूसरी तरफ बड़ी बात है कि कल से शव लेकर के परिजन और साथ में जो कह सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं और जो किरणलाल मीणा के भाई हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। शव का है अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, लगातार प्रशासन से वार्ता की जा रही है, और ये जो आप देख रहे हैं उनके परिजन हैं, परिजन के साथ में उनके पुत्र भी हैं, उनकी बेटी भी है, और जगमोहन मीणा जी भी है। जगमोहन मीणा जी, पहला रिएक्शन आपसे ही है कि नगर निगम गगनचुंबी बिल्डिंग है जहाँ इनका मकान बन रहा था, उसके पास में इमारत बड़ी खड़ी हो रही है, वहाँ तो निगम ने ध्यान नहीं दिया, होटल को बनते नहीं देखा, और जब राम प्रसाद अपना मकान बना रखा था उसका पट्टा था तो उस पर कार्रवाई करने पहुँच गया, गार्ड बैठा दिए गए। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक गरीब आदमी को अपना 108 गज में मकान भी नगर निगम नहीं बनाने देता, और यहाँ 4-4, 5-5 मंजिली होटल बन रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अनदेखी है, तो लोगों के साथ अन्याय है, अनजस्टिस है। उसको बेचारे को मकान नहीं बना दिया, 2 जवान बेटियाँ रात को ही सड़क पर बाहर सोती थी, और इस ज़माने में इस ढंग से उनके परिवार के साथ ज्यादती की गई, उनको मतलब जाने के लिए बाथरूम तक नहीं थे, उनके साथ बड़ा अन्याय किया, ये अमानवीय है, ये घोर अन्याय हुआ है। और जब चारों तरफ से वो घिर गया, कहीं उसको रास्ता नहीं दिखाई दिया, उसको लगा कि बड़े लोग हैं, मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितनी मानसिक कुंठा होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसके पास तो बचता ही क्या है जीवन में, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब FIR भी आपने दर्ज करा दी गई है नामजद महेश जोशी मंत्री के खिलाफ, मंत्री का नाम भी उस वीडियो के अंदर आया है, तो क्या लगता है कि शेफ पर ये सब कुछ काम हो रहा था, होटल बनती दिख रही थी और शायद उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, होटल बनती हुई दिख रही थी, बनी हुई है, आप जाएं उसको देखें, अभी होटल खड़ी हो गई है काफ़ी लंबी चौड़ी, और इन बेचारों का मकान यूं का त्यों पड़ा हुआ है, जब जिसका कि इनके पास पट्टा है उसमें मकान नहीं बनने दिया, इसलिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम इन गरीबों को, इन असहायों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक बैठे रहेंगे तब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। न्याय किस तरह का न्याय? इन द सेंस, देखो, जो मृतक होता है और जो लास्ट में बोल के जाता है वही सबसे बड़ी एविडेंस होती है, और उन्होंने उस आधार पर जितने भी लोग थे FIR दर्ज कर ली, बहुत दबाव के बाद FIR दर्ज करी, कल सारा दिन लग गया। अब ये परिवार में 2 बच्चियां हैं, जवान 1, 16-17। ठीक है दीपक, आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सांसद